आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लॉग एड के हवाले से। लॉग एड के हवाले से हमने मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ शुरू की थी। ये सी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, मॉक टेस्ट 25। आइए मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेट ऑन। जो पहली आइनसाज असेंबली थी, इसका जो पहला इजलास मनकद हुआ था, वो हुआ था 10 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर वन का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसी से मिलता जुलता है कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका पहला प्रेसिडेंट या सदर कौन था। तो इसके पहले सदर जो मुंतखब हुए थे वो थे कायद आजम मोहम्मद अली जिना। क्वेश्चन नंबर टू, पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ, हमेशा याद रखें पार्लियामेंट तीन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है, प्रेजिडेंट, नेशनल असेंबली एंड सैनेट। क्वेश्चन नंबर टू का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच फैक्टर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कार्ल मार्क्स एनालिसिस ऑन लॉ। कार्ल मार्क्स ने जो एनालिसिस किया लॉ के हवाले से या लॉ के ऊपर, तो उसने सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ या जो इम्पोर्टेंट रोल बयान किया लॉ के एनालिसिस के दौरान, तो वो था इकोनॉमी के हवाले से। इकोनॉमी को उसने इम्पोर्टेंस दी। क्वेश्चन नंबर थ्री का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर, अ लाइबिलिटी में भी, लाइबिलिटी हमेशा मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर हमें नजर आती है। इसके मुख्तलिफ काइंड हैं, ये सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है, रेमेडियल भी हो सकती है और पिनल भी हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर फोर का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर फाइव, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिसचीफ रूल। क्वेश्चन नंबर फाइव का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द जनरल रूल ऑफ प्रेसिडेंट इज दैट अ कोर्ट इज बाउंड टू। जो जनरल रूल है प्रेसिडेंट के हवाले से वो क्या है? वो ये है कि जो कोर्ट है वो बाउंड है अपने से सुपीरियर कोर्ट के डिसीजन की। क्वेश्चन नंबर सिक्स का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑल द डिसीजंस ऑफ सुपीरियर कोर्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, टू अवॉइड द कस्टडी ऑफ माइनर कोर्ट शैल कंसीडर। माइनर की कस्टडी को अवॉइड करने के लिए कोर्ट्स जो सबसे ज्यादा जिस चीज को कंसीडर करती है वो है वेलफेयर ऑफ द माइनर। क्वेश्चन नंबर सेवन का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर एट, इजमा फाइंड्स इट्स बेसिस इन। इजमा जो है इसकी जो बेस है वो है कंसेंसस। तो क्वेश्चन नंबर एट का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नाइन, एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट एनी वारंट इज कॉल्ड। दो तरह के ऑफेंस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर जब वो ऑफेंस हो जाए तो पुलिस ऑफिसर को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती किसी भी शख्स को अरेस्ट करने के लिए, वो डायरेक्टली उसको अरेस्ट या अप्रोच कर सकता है, तो ये कहलाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए, कंडक्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में किसी भी उस शख्स को जो ऑफेंडर है उसको पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर को जरूरत पड़ती है वारंट की। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास नेक्स्ट, द मैजिस्ट्रेट कैन ग्रांट रिमांड मैक्सिमम हाउ मैनी डेज। मैजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों का रिमांड ग्रांट कर सकता है? तो वो है 15 दिन। 15 दिन से जायद मैजिस्ट्रेट रिमांड ग्रांट नहीं कर सकता। बाज़ लोगों के नज़दीक ये 14 दिन होता है, लेकिन 14 दिन गलत है, एक्चुअल 15 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर इलेवन, डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ चाइल्ड इज, इट इज एडमिजिबल इन द कोर्ट। डाइंग डिक्लेरेशन है चाइल्ड की, तो वो भी एडमिजिबल है। 11 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, रेलिवेंट फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट बाय द कानून शहादत ऑर्डर। रेलिवेंट फैक्ट्स से मुराद वो फैक्ट्स हैं जो कि क्यूएसओ की नजर में रेलिवेंट हों, क्यूएसओ ने उनको रेलिवेंट डिक्लेयर किया हो। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, अ ल्यूनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज ल्यूनेसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14, द कम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस ऑफ हद शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद। जो हद के अंदर कितने लोग होंगे जो एक विटनेसेस हैं, या कौन टेस्टिफाई कर सकता है और कौन नहीं, उनके जो नंबरिंग है, ये तमाम चीज़ें हदूद के केसेस के अंदर डिफाइन की जाती हैं कानून एंड सुन्ना से। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, कानून एंड सुन्ना। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 22 ऑफ द क्यूएसओ डील्स विद। आर्टिकल जो 22 है क्यूएसओ का, ये डील करता है
फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ग्राउंड दैट द आंसर विल क्रिमिनेट हिम प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सो क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। कोई भी विटनेस किसी भी क्वेश्चन से जो एक्सक्यूज है वो नहीं कर सकता कि वो उस क्वेश्चन का अगर आंसर दे तो वो उसे क्रिमिनेट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, अ कन्फेशन इज कंसिडर्ड इररिलेवेंट बाय अ कोर्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इफ इट इज मेड। एक कन्फेशन जो है वो हमेशा इररिलेवेंट रहेगा जब तक के वो कन्फेशन जो है पाक ना हो ड्यू इंड्यूसमेंट से या थ्रेट के जरिए से और या किसी भी फ्यूचर प्रॉमिस के जरिए से उसके साथ वो जो स्टेटमेंट अगर दी जा रही हो या ली जा रही हो तो ऐसी सूरत में ये कन्फेशन जो है वो इरेलीवेंट रहेगा। यानी कि कोर्ट इसके अंदर देखती है कि अगर कोई शख्स कन्फेशन कर रहा है तो वो बिल्कुल अपनी मर्जी से कर रहा हो, फ्रीली कर रहा हो, कोई इंड्यूसमेंट ना हो, कोई थ्रेट ना हो उस शख्स को, तो ऐसी जो कन्फेशन है वो काबिल कबूल होगी। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर आर्टिकल 158 ऑफ द क्यूएसओ द वैलिडिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्शन ओवर द प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द इट इज डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड कोर्ट। जो वैलिडिटी है डॉक्यूमेंट की वो कंसर्न्ड कोर्ट ही डिसाइड करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी रिलेट्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। एफआईआर से जो रिलेटेड जो सेक्शन है सीआरपीसी का वो है 154। क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 19 ऑफ द क्यूएसओ लेज डाउन। आर्टिकल 19 जो है ये क्यूएसओ का ये ले डाउन करता है रेस जेस टाई को। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल 27 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर इज अपेंडेड बाय। आर्टिकल 27 जो है ये अपेंड इसकी जानिब से अपेंड किया जाता है 16 इलस्ट्रेशंस को। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी एम्पावर्स मैजिस्ट्रेट टू मेक एन इंक्वायरी विद रिस्पेक्ट टू। सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी जो है ये मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट करवा सके कॉज ऑफ डेथ को जानने के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑर्गन विच इज फाउंड सिंगल इन ह्यूमन बॉडी अर्शा फितलाफ उदू फॉर सच ऑर्गन इज इक्वल टू। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कि अगर इतलाफ आप करते हैं कि ऐसे उदू का जो कि सिंगली पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर लाइक नोज है आपकी ये सिंगल है तो ऐसी सूरत में इसका जो अर्श है वो कितना होगा तो ये अर्श होगा इक्वल टू दियत। क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ इतलाफ इज हाईएस्ट। इतलाफ जो है कौन से पार्ट का ह्यूमन बॉडी के सबसे ज्यादा जो अर्श है वो रखता है तो वो है नोज। नोज का सबसे ज्यादा अर्श है इक्वल टू दियत है ये। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन किसॉस इज नॉट लायबल अक्यूज्ड पर्सन शैल बी अवार्डेड टू। जब किसॉस लायबल ना हो तो ऐसी सूरत में उसको अर्श ग्रांट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, द पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम किसॉस इज कॉल्ड। जो पर्सन एंटाइटल्ड हो किसॉस को क्लेम करने का वो कहलाता है वली। क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स फिगर और मार्क्स इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई लेटर्स हैं फिगर्स हैं या मार्क्स हैं तो ये कहलाएगा डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, एन एडवोकेट कैन नॉट बी बाउंड टू डिस्क्लोज एनीथिंग व्हिच हैज बीन डन बिटवीन हिम एंड हिज क्लाइंट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ। एडवोकेट जो है वो बाउंड नहीं है कि वो डिस्क्लोज करे जो ऑफिशियल उसकी बातचीत हुई अपने क्लाइंट के साथ, लेकिन वो ऐसा कर भी सकता है विद द परमिशन ऑफ हिज क्लाइंट। सो क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, अ डिग्री पोस्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज इज नॉन अपीलेबल। जो भी डिग्री पास हो विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज वो नॉन अपीलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट कौन होता है? ऐसा शख्स जिसके खिलाफ कोई पिटीशन फाइल की जाए तो वो रिस्पोंडेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड, दूसरा जो आइन था ये कब एब्रोगेट हुआ? तो सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का वो एब्रोगेट हुआ था 25 मार्च 1969 को। क्वेश्चन नंबर 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अंदर जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामानी तर्ज हुकूमत। क्वेश्चन नंबर 32 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट मिनिमम एज इज स्पेसिफाइड फॉर अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम एज है मेंबर नेशनल असेंबली बनने के लिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वो है 25 साल। क्वेश्चन नंबर 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जो प्रेसिडेंट के ऑफिस की टर्म है वो है 5 साल। क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन वर देयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के आइन के अंदर कितने टोटल आर्टिकल शामिल किए गए थे? तो ये टोटल आर्टिकल शामिल किए गए थे 234। क्वेश्चन नंबर 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल्स शामिल किए गए थे? तो ये थे 250 तादाद में। क्वेश्चन नंबर 36 दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी आर्टिकल्स देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, कितने आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर? तो ये हैं तो टोटल तादाद में 280। क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेट एक्सेप्टेड पाकिस्तान एज सॉवरन स्टेट फर्स्ट, पाकिस्तान को सबसे पहले एज सॉवरन स्टेट जो एक्सेप्ट किया था वो किया था ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन वन यूनिट वाज फॉर्म्ड, वन यूनिट बनाया गया था 30 सितंबर 1955 को। क्वेश्चन नंबर 39 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 30 सितंबर 1955। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने जो अपनी पहली बेसिक इनिशियल रिपोर्ट जो पब्लिक की थी वो की थी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग और रिवीजन इन हाई कोर्ट, जो रिवीजन दायर करने की जो लिमिट है हाई कोर्ट के अंदर वो है 90 डेज। क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 90 डेज। क्वेश्चन नंबर 42, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद बार ऑफ फर्दर सूट, बार ऑफ फर्दर सूट के हवाले से सीपीसी का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 12। क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से सीपीसी का सेक्शन 9 डील करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद द क्वेश्चन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, तो क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, 47 सेक्शन ऑफ सीपीसी। क्वेश्चन नंबर 45, अंडर व्हाट ऑर्डर एंड रूल एनी पार्टी टू सूट मे फाइल एन एप्लीकेशन टू ऑल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग, प्लीडिंग को अगर ऑल्टर करना हो या अमेंड करना हो तो पार्टी जो है ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत एप्लीकेशन कोर्ट को देती है। क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी डील्स विद ऑर्डर 8 जो है सीपीसी का ये डील करता है रिटन स्टेटमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इनएक्टेड ऑन, जो कोड है सिविल प्रोसीजर का ये इनेक्ट हुआ 21 मार्च 1908 को। क्वेश्चन नंबर 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, विच आर्टिकल ऑफ क्यूएसओ डील्स विद आइडेंटिफिकेशन पेड, आइडेंटिफिकेशन पेड के हवाले से क्यूएसओ का सेक्शन आर्टिकल 22 जो है ये डील करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, एडमिशंस आर यूज्ड इन, एडमिशन जो है ये हमेशा सिविल केसेस के अंदर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, हु सेड
द नेचुरल लॉ बींग को एग्जिस्टिंग विद मैनकाइंड एंड एमानेटिंग फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ इज सुपीरियर टू ऑल द लॉज. इट इज बाइंडिंग ओवर ऑल द कंट्रीज एट ऑल द एंड. नो मैन मेड लॉ विल बी वैलिड इफ इट इज कंट्रेरी टू द लॉ ऑफ नेचर. तो ये जो डेफिनेशन दी थी ये दी थी ब्लैक स्टोन ने. क्वेश्चन नंबर 50 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्लैक स्टोन.